टुडे टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। दोस्तों नमस्कार, आज 12 अप्रैल 2020 संडे के शाम को आप लोग घर में होंगे और टीवी से आप लोगों को सभी चीज़ की जानकारी मिल रही होगी। आज मैं आपसे दोबारा लॉकडाउन की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा। खबरों से आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना में कोविड वायरस के खिलाफ जो मुहिम चाइना के लोगों ने किया, अब ऐसा लगता है कि वो लोग इसमें कामयाबी हासिल किए हैं। और कल और आज पहला दिन रहा जब चाइना में कोई नया डेथ रिपोर्ट नहीं हुआ है। नंबर ऑफ केसेस भी, नए केसेस चाइना में अब 100 से कम रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी लगभग 800 से 900 केस हर दिन नए रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ लॉकडाउन की अहमियत अभी बहुत ज़्यादा है। इसी बात को बताने के लिए मैं आप लोगों से ये जिक्र कर रहा हूं। अमेरिका में स्थिति बहुत खराब है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खराब, और एवरेज औसतन 30 से 31 हजार केसेस हर दिन नए रिपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, और डेथ भी हर दिन 1900 के लगभग अमेरिका में रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले 4 दिनों से, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इटली में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है और अब नए केसेस 4000 पर डे के लगभग रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि आपको जहन में ये जरूर होगा कि पहले, पिछले 2-3 हफ्ते पहले 6000 पर डे तक वहां रिपोर्ट होता था, तो वो 6000 से घटकर अब 4000 हो गया है। स्पेन की स्थिति भी थोड़ी सी सुधार हुई है, अब वहां नए केस 5000 पर डे आ रहे हैं, जबकि इसके पहले पीक टाइम में 9000 केस पर डे वहां आते थे। 9000 से घट के 5000 पर डे, तो वहां भी थोड़ा सुधार हुआ है। इंडिया की सिचुएशन अगर आप देखिए तो पिछले 7 दिनों में नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टिंग बढ़ी है। पहले लगभग 500 केसेस पर डे इंडिया में रिपोर्ट होती थी, जो कि अब लगभग 800 से 900 के बीच पर डे रिपोर्ट हो रही है। तो ये लगभग आप देख रहे होंगे 500 से 800 का ये फर्क है। नंबर ऑफ डेथ पास्ट 1 वीक में, वो भी इंडिया में उसमें इंक्रीज हुआ है। पहले हर दिन 20 डेथ होता था, पिछले 2-3 दिनों से लगभग 35-40 डेथ पर डे हो रहा है। तो इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में स्थिति ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में आप लोग ज़रूर, इसका आपको एहसास होगा कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है, और ख़ास करके घर के सभी बुजुर्गों को कि किसी भी यंग मेंबर को बाहर नहीं निकलने दें। वो बाहर जाएंगे और अपने साथ कोविड वायरस लेकर अंदर आएंगे, इस बात को जहन में जरूर रखें। मोस्ट इसेंशियल काम के लिए ही केवल बाहर जाएं, और जो भी खरीदना है खरीद कर तुरंत आकर घर में अंदर रहें। हमारी यही आपसे गुजारिश है, इस जंग में अगर आप साथ नहीं देंगे तो यह जंग बहुत लंबा चलेगा। अगर आप साथ देंगे तो चाइना के तरह हम लोग भी इस जंग पर फतह हासिल करने में जल्दी हम लोग कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को सही स्पिरिट में लेंगे और कल से बाहर नहीं निकलने का बिल्कुल कसम खाकर रखिए कि जो भी चीज़ की ज़रूरत है
बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही हम बाहर जाएंगे, नहीं तो घर में रहेंगे। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम बात है। और इन सब चीज़ों का जिक्र मैं आपसे बार बार इसीलिए करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से हैदराबाद पुलिस को बहुत मोहब्बत है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस डेडली वायरस के शिकार हों। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद।